मुझे तो हमेशा बस शादी करने का शौक था। कभी मैं दुल्हन बन जाती थी, साड़ी लपेट लेती थी, और फिर कभी मैं मॉम बन जाती थी। तुम्हें बचपन से आर्किटेक्ट बनने का शौक था? नहीं, मुझे बचपन में ट्रक ड्राइवर बनने का शौक था। What? Oh my God, really? तुम तो एक अनोखी लड़की हो। पता नहीं क्यों मुझे बचपन में ट्रक आर्ट बड़ा फैसिनेट करता था। उसके कलर्स इतने वाइब्रेंट होते हैं, ट्रक डिफरेंट होता है, तो शायद इस वजह से मुझे अच्छा लगता था। पर खैर वक्त गुजर गया और फिर उसके बाद अकल आ गई। और फिर मैंने अपनी इस क्रिएटिविटी को एक अच्छे प्रोफेशन में लगा दिया, वरना आज तुम ट्रक चला रही होती और फिर तुम हमारे सिप्टेन से कैसे मिलती और कहां मिलती? नहीं नहीं, किस्मत अगर साथ दे ना तो रस्ते खुद बन ही जाते हैं। हो सकता है कि आज सप्तन का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता और मैं इनका पार्टनर होता, फिर मैं तुम लोगों की जिंदगी में कहीं नहीं होती, क्योंकि मेरे ऐसे व्यूज नहीं है। और अम्मा फिर मेरी शादी तो किसी सीधे साधे बैंकर से कर देती या आर्मी ऑफिसर से, क्योंकि अम्मा का फोकस तो सिर्फ सिक्योर जॉब और घर हो। तो आपका खुद का क्या शौक था? मुझे तो हमेशा बस शादी करने का शौक था। कभी मैं दुल्हन बन जाती थी, साड़ी लपेट लेती थी, और फिर कभी मैं मॉम बन जाती थी। एक बात को मेरे एक्सपीरियंस में जिस चीज को आप शिद्दत से मांगते ना वो आपको नहीं मिलती। वैसे शहीर ने सारी ख्वाहिशात मेरी पूरी कर दी है। लेकिन मरियम, शादी के बाद अपने करियर पे फोकस करना है या कोई और प्लान है? अगर वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस्ड रखेगी तो व्हाई नॉट। ये बैलेंस रखने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे ही क्यों है, है मरियम? सिर्फ तुम नहीं, सिप्तेन भी तुम्हारा साथ देगा।